अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। यौगिकों की संरचना ज्ञात करने में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग निम्न क्षेत्रों में है। फर्स्ट, क्रियात्मक समूह या क्रोमोफोर ज्ञात करने में, इन द डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और क्रोमोफोर। यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंडों की प्रकृति व उपस्थिति है। किसी क्रोमोफोर विशेष की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का ज्ञान होता है। उदाहरण थे, यदि किसी हाइड्रोकार्बन में 165 से 170 नैनोमीटर पर कोई अवशोषण बैंड है तो उस यौगिक में एल्किनिक द्विबंध कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उपस्थित हैं। यदि कोई ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिक 270 से 300 नैनोमीटर पर अवशोषण दर्शाता है तो उसमें कार्बोनिल से डबल बॉन्ड और समूह होना चाहिए। लेकिन यदि किसी यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम में 200 नैनोमीटर से ऊपर कोई अवशोषण बैंड प्रदर्शित नहीं होती तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि यौगिक में सयुग्मन से डबल बॉन्ड और समूह थर्ड बेंजीन वाले विद्यमान नहीं है। सयुग्मन का विस्तार एक्सटेंशन ऑफ कंजुगेशन, किसी पोलीन आर सी एस डबल बॉन्ड होल की पावर एन आर में एन का मान जितना बढ़ता जाएगा उसके अवशोषण की तरंग दैर्ध्य के मान में उतनी ही वृद्धि होती जाएगी। अतः लेमडा मैक्सिमम के मान को देखकर ज्ञात किया जा सकता है कि पोलीन में सयुग्मित द्विबंधों का कितना विस्तार है। एन का मान 8 से अधिक होने पर यौगिक का अवशोषण 400 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य वाले दृश्य प्रकाश में होने लगता है। ऐसे पोलीइन हमें रंगीन दिखते हैं। गाजर में पाई जाने वाले पोलीइन कैरोटीन में 11 सयुग्मित द्विबंध होते हैं। इसी कारण गाजर नारंगी लाल दिखती है। सयुग्मित तथा असयुग्मित यौगिकों में विभेद। डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स। सयुग्मन से यौगिकों के यूवी स्पेक्ट्रम में लैम्डा मैक्सिमम के मान में वृद्धि होती है जिससे हम उनमें भेद कर सकते हैं। उदाहरणतः 1,4-पेंटाडाइन एक असयुग्मित डाइन है और इसका अवशोषण उच्चतम 176 नैनोमीटर पर प्रकट होता है, जबकि 1,3-पेंटाडाइन एक सयुग्मित डाई होने के कारण 211 से 215 नैनोमीटर पर अवशोषण दर्शाता है। अज्ञात यौगिकों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अननोन कंपाउंड। ज्ञात यौगिकों के यूवी स्पेक्ट्रम से किसी अज्ञात यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम की तुलना करके हम अज्ञात यौगिक की पहचान भी कर सकते हैं। बहुल केंद्रक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण, एग्जामिनेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। बेंजीन तथा बहुल केंद्रक हाइड्रोकार्बन यूवी स्पेक्ट्रम में उच्च तरंग दैर्ध्य पर अभिलाक्षणिक अवशोषण दर्शाते हैं जिससे इन यौगिकों का आसानी से परीक्षण हो जाता है। इनकी वल्यों में किसी प्रतिस्थापी समूह के आने से बेथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होता है। विटामिन ए तथा विटामिन के की संरचना ज्ञात करना, एलुसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए एंड के। यूवी स्पेक्ट्रम की सहायता से विटामिन ए तथा के की संरचना को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। विटामिन ए वन तथा ए टू में सयुग्मित पोलीन तंत्र होता है। विटामिन ए वन और विटामिन ए टू। विटामिन ए वन लेमडा मैक्सिमम 325 नैनोमीटर, लेमडा मैक्सिमम 351। चूँकि विटामिन ए टू सयुग्मित तंत्र में एक अतिरिक्त द्विबंध है अतः इसके लेमडा मैक्सिमम का मान उच्च हो जाता है। इसी प्रकार विटामिन के वन व के टू में 2,3-डाईमेथिल नेप्थाक्विनोन नाभिक होता है जिसका अवशोषण उच्चतम एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम
243, 249, 260, 269 तथा 330 नैनोमीटर पर होते हैं। अतः इस अवशोषण बैंडों की पहचान से विटामिन के की संरचना ज्ञात की जा सकती है। दो जलवायु रूपों की प्रायिकता, प्रेजेंस ऑफ टू टोटोमेरिक फॉर्म्स। यदि कोई यौगिक जलवायुता प्रदर्शित करता है तो उसका कौन सा रूप अधिक प्रायिक है, अर्थात यौगिक किस रूप में अधिक समय तक रहता है, इसकी जानकारी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा आसानी से मिल जाती है। उदाहरणतः 2-हाइड्रोक्सीपिरिडिन उसके जलवायु रूप पिरिडिन 2 के साथ साम्य में रहते हैं। इनके यूवी स्पेक्ट्रम से ज्ञात हुआ है कि यौगिक का साम्य शीघ्र ही पिरिडिन 2 की ओर विस्थापित हो जाता है, जो एक अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोनिक यौगिक है, अर्थात इसका कीटोनिक रूप अधिक प्रायिक है। ज्यामिति समावयव का विन्यासी निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। किसी यौगिक के दो ज्यामिति समावयव में से किसी निश्चित पदार्थ का विन्यास सिस या ट्रांस यह उनके यूवी स्पेक्ट्रम से ज्ञात किया जा सकता है। सिस समावयव में त्रिविम बाधा से अणु की समतल्यता नष्ट हो जाती है, जिससे उसके इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और उसके यूवी स्पेक्ट्रम में कम तरंगदैर्ध्य पर अवशोषण उच्चतम प्रदर्शित होता है। इसके विपरीत ट्रांस समावयवी उच्च तरंगदैर्ध्य पर अवशोषण दर्शाते हैं। उदाहरणतः सिस स्टिलबिन व ट्रांस स्टिलबिन के अवशोषण स्पेक्ट्रम के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। सिस स्टिलबिन, ट्रांस स्टिलबिन लेमडा, सिस स्टिलबिन लेमडा मैगजीम एफएसएलएम मैगजीम 222 नैनोमीटर, 25,000, 283 नैनोमीटर, 12,300, और ये 229 नैनोमीटर, 15,800, 245 नैनोमीटर, 25,000, 308 नैनोमीटर, 25,000, 320 नैनोमीटर, 15,800। अवरक्त अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, संक्षेप में इसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य विजिबल व सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव के मध्य का भाग अवरक्त इंफ्रारेड अर्थात आईआर विकिरणों का क्षेत्र होता है। इन विकिरणों की तरंग दैर्ध्य का मान काफी उच्च लेकिन ऊर्जा का मान बहुत कम होता है। इतनी कम ऊर्जा वाले विकिरणों के अवशोषण से अणुओं में किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की संभावना नहीं रहती, लेकिन इनसे अणुओं में विभिन्न प्रकार के कंपन, वाइब्रेशन अवश्य संपन्न हो सकते हैं। आईआर क्षेत्र में विकिरणों के अवशोषण से परमाणुओं के मध्य के विभिन्न बंधों में कई प्रकार के कंपन हो सकते हैं। चूंकि अणुओं में बहुत प्रकार के बंध होते हैं और प्रत्येक बंध में कई प्रकार के कंपन हो सकते हैं, अतः किसी यौगिक का आईआर स्पेक्ट्रम अत्यंत जटिल होता है और इससे बहुत सारे अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। आईआर स्पेक्ट्रम की ये जटिलता ही वस्तुतः तो इसकी उपयोगिता है, क्योंकि दो प्रतिबिंब रूप एनएनसी और मर के अतिरिक्त किन्हीं दो यौगिकों का आईआर स्पेक्ट्रम समान नहीं होता, अतः किसी अज्ञात अथवा अशुद्ध यौगिक के आईआर स्पेक्ट्रम की प्रत्येक शिखर की तुलना किसी विश्वसनीय अथवा शुद्ध यौगिक के आईआर स्पेक्ट्रम के प्रत्येक शिखर के साथ करके यौगिक के उस नमन के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है अथवा उसकी शुद्धता का परीक्षण हो सकता है। यद्यपि आईआर स्पेक्ट्रम पूरे अणु के चित्र को प्रदर्शित करता है, लेकिन परमाणुओं के कुछ समूह ऐसे होते हैं जो चाहे किसी भी प्रकार के अणुओं का भागो आयर स्पेक्ट्रम में समान अवशोषण बैंड दर्शाते हैं। अतः इस प्रकार की सूचनाओं के आधार पर विभिन्न यौगिकों में विद्यमान क्रियात्मक समूह के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।